हेलो हेलो इरफान सर, हाय। मैं हर्षित बात कर रहा हूँ सर, और मेरे साथ बगल में मेरे पुलकित बैठा हुआ है। मुझे पता है कि आपको हमारी आवाज़ ज़रूर मिलेगी, बस आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। पर कोई नहीं सर, मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि हम बहुत बहुत बड़े फ़ैन हैं आपके, एंड आपकी हर फिल्म देखी है हमने, हर फिल्म। और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। पिछले 2 साल में आपने बहुत मुश्किलों से इस जंग को जीतने की कोशिश करी थी। हमने आपको देखा है और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये ख्याल है इस समय वही आप हैं और वही इरफान हैं। तो आप आराम करें, आप चिंता ना करें, यहाँ सब कुछ ठीक रहेगा। आप अपना वहाँ पर ख्याल रखें, बाकी हम आपको फिल्मों के ज़रिए मिलते रहेंगे, उन सारी तमाम परफॉर्मेंसेस के ज़रिए आपसे मिलते रहेंगे, आपको आप ही की आंखों के ज़रिए आपसे मिलते रहेंगे। बाकी इरफान सर, देखिए आप टेंशन मत लीजिएगा, ऊपर वाला अभी तो आपका बहुत ख्याल रखने वाला है ऑब्वियसली। पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ नीचे चीज़ें बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाती हैं, और हम ये इंसानी फितरत कह लो या मतलब एक रूल कह लो, हम लोग वापस नॉर्मल ज़िंदगी में लौटेंगे। पर आपको रोज़ याद करेंगे कोई ना कोई कहीं ना कहीं, तो प्लीज़ है ना, आप भी थोड़ा अपना ख्याल रखना। बाकी अब हम फ़ोन रख रहे हैं, बहुत याद आएगी आपकी। इरफान सर सुनिए, जाते जाते ना बस एक शेर आपसे कहना चाहते हैं, अर्ज किया है। पुलकित तू पढ़ेगा या मैं पढ़ दूँ? तो कुछ ऐसा है कि कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई, कहानी खत्म हुई और ऐसी खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। इरफान सर, हम आपको बहुत याद करेंगे। वी लव यू। दरिया भी मैं, दरख्त भी मैं, जेहलम भी मैं, चनार भी मैं, दैर हूँ, हरम भी हूँ, शिया भी हूँ, सुन्नी भी हूँ, मैं हूँ पंडित, मैं था, मैं हूँ और मैं ही रहूँगा।